नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे तापसी पन्नू की फिल्म दोबारा, इसके अलावा गुजराती फिल्म फकत महिलाओं माटे तथा मराठी फिल्म दगड़ी चाल 2 ने 6 दिनों में अपना कितना कलेक्शन कर लिया है, मतलब 5 दिनों का टोटल कलेक्शन कितना हो गया और 6 दिन फिल्म कितना कलेक्शन करने जा रही है, इन सब के बारे में आज का वीडियो है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फकत महिलाओं माटे गुजराती फिल्म के बारे में। तो ये फिल्म काफी शानदार कॉमेडी फिल्म है, काफी अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज इस फिल्म को मिले हैं। महानायक अमित जी का भी इसमें एक कैमियो है, तो फिल्म का कलेक्शन अच्छा रहा। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि फिल्म काफी पसंद आ रही है। पहले दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 1.34 करोड़ रुपीज इंडिया नेट, जो काफी अच्छा कहा जा सकता है। वैसे भी आपको बता दूं कि ये फिल्म ज्यादातर गुजरात में ही रिलीज की गई है, तो वहां से इतना कलेक्शन आना काफी बड़ी बात है। सेकंड डे फिल्म के कलेक्शन में और बढ़ोतरी हुई और कलेक्शन आया 1.52 करोड़ रुपीज। तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन संडे होने के कारण और ग्रो किया और फिल्म का कलेक्शन रहा 1.81 करोड़ रुपीज। चौथे दिन फिल्म के कलेक्शन में मंडे होने के कारण, वर्किंग डे होने के कारण काफी गिरावट देखी गई और 52 लाख रुपए का कलेक्शन आया। पांचवें दिन की बात करें, कल की बात करें, तो कल फिल्म ने 50 लाख रुपए के करीब कलेक्शन किया है। और जहां तक आज की बात करें तो आज भी ये फिल्म 40 लाख रुपए का कलेक्शन वहां से करने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस फिल्म का टोटल 6 दिनों का कलेक्शन हो गया है 6 करोड़ 9 लाख रुपए के आसपास, जो काफी अच्छा कहा जा सकता है। ज्यादा बड़े बजट की ये फिल्म नहीं है और जिस प्रकार से इसके कलेक्शन सारे है काफी बेहतरीन कही जा सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें फिल्म दोबारा, तापसी पन्नू अनुराग कश्यप की फिल्म दोबारा, पहले दिन का कलेक्शन मात्र 0.72 लाख रुपीज, मतलब फकत महिलाओं माटे से भी कम। पहले दिन ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो गई थी। दूसरे दिन कलेक्शन 1 करोड़ 2 लाख, थोड़ी सी बढ़ोतरी। तीसरे दिन कलेक्शन 1.24 करोड़ रुपीज, संडे होने के कारण कलेक्शन में ग्रोथ, लेकिन इतना नहीं कि फिल्म के प्रति कुछ उम्मीदें जग सके। चौथे दिन कलेक्शन में बहुत बड़ा ड्रॉप, मंडे को ओनली 49 लाख रुपीज का कलेक्शन आया। आज की बात करें तो पांचवें दिन की बात करें, मंगलवार की बात करें तो 48 लाख रुपए के करीब कलेक्शन रहा, और आज की बात करें तो आज करीब 30 लाख रुपए के आसपास कलेक्शन रहने वाला है। दोस्तों प्रथम 6 दिनों का कलेक्शन इसका हो जाता है 4 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास। इसका मतलब ये हुआ कि 30 से 40 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 करोड़ रुपए का अपना लाइफ टाइम कलेक्शन करने वाली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो चुकी है, बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हो चुकी है। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप को ये सोचना होगा कि क्या वे बोल रहे हैं, उनको बोलने से पहले कुछ सोच ले कि क्या कह रहे हो। उन्होंने बॉयकॉट की अपील की थी और दर्शकों ने इस अपील को स्वीकार कर लिया है, और अब उनके लिए उनका ये उपहास भारी पड़ने वाला, उनका ये मजाक उन्हीं को भारी पड़ गया है। दोस्तों बात करें फिल्म दगड़ी चाल 2 की, मराठी मूवी है, बहुत ही शानदार फिल्म है। मकर देशपांडे तथा अंकुश चौधरी दोनों का ये अभिनय बहुत ही दमदार है और इसका कलेक्शन भी अच्छे रहे। पहले दिन करीब 52 लाख रुपए का कलेक्शन रहा था, दूसरे दिन 70 लाख रुपए का कलेक्शन आया, तीसरे दिन संडे को कलेक्शन और बढ़ा और करीब 83 लाख रुपए का कलेक्शन आया, चौथे दिन फिल्म का कलेक्शन करीब 33 लाख रुपए रहा। मंडे को ड्रॉप होता है, इसका भी ड्रॉप हुआ। ट्यूजडे को कलेक्शन करीब 34 लाख रुपए के आसपास आया है और आज भी यह फिल्म करीब 30 लाख रुपए का कलेक्शन करने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस फिल्म का 6 दिनों का कुल कलेक्शन 3 करोड़ 2 लाख रुपए के आसपास हो जाता है, जो ठीक कहा जा सकता है, अच्छा कहा जा सकता है। फिल्म को काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले, फिल्म आगे भी अच्छा कलेक्शन करेगी ऐसी उम्मीदें की जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको जानकारी कैसी लगी बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।